नानूला क्या चाहिए बर्थडे गिफ्ट? नानूला बर्थडे गिफ्ट के ले देनी? सोच रहे बेबी हाउस कति तला का बेबी हाउस कति बेबी हाउस चाहिए को? अच्छा बात तो कर दी नानू ले गिफ्ट चाहिए ये चाहिए भंची बस ला 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 माँ आउँदा ल्याइदिन्छु है तो यहाँ पर मैं नाश्ता खा रही थी। नाश्ते में आज था रात की रोटी बची हुई थी, उसी को तेल लगा के गर्म किया है और आलू गोभी की सब्जी है और चने की। तो मैं नाश्ता खा रही थी तो यहाँ पर देखिए कैसे मस्ती चल रही है। तो लियो उसको जाने दे रहा था, मैंने थोड़ा दुकान भेजा था कुछ सामान लेने के लिए, तो वो जैसे जा रही थी तो उसके बार बार पैर में लियो कैसे कर रहा था। उसको भी खेलने के लिए चाहिए कोई ना कोई। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है मॉर्निंग की। जैसे कि आप लोगों को पता ही है घर का काम यही है, झाड़ू पोछा और बेड वगैरह मिलाना, डस्टिंग करना। तो काफ़ी लोगों को बोरिंग भी लगता होगा कि मतलब यही चीज़ ही देखना पड़ता है, पर मैं कुछ नया ऐसा दिखा नहीं सकती क्योंकि कहीं जाने को होता नहीं है और घर का जो होता है रूटीन वही दिखा रही हूँ। तो वहाँ पर देखिए लियो कैसे दिख रहा है। मेगा कहीं गई थी तो मेगा जैसे आई तो वो फटाफट से भाग के चले गए उसके पास। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं फटाफट से ये बेडशीट चेंज कर दिया है मैंने और यहाँ पर ये कुशन भी मतलब तकिया भी कवर डाल दिया है, उसके बाद मैंने इसको सेट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा डस्टिंग कर रही हूँ और डस्टिंग इतना मतलब हर दो तीन दिन के बाद जब देखती हूँ ना तो यहाँ पर मिट्टी जमा हो जाता है जैसे ये ट्रॉफी वगैरह में, तो हर दो तीन दिन के बाद मुझे यहाँ पर डस्टिंग करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर भी कर दूँगी और दूसरी साइड में भी कर दूँगी, वैसे मैंने कल भी कर दिया था फिर भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए आकाश कैसे कैमरे के आगे आके क्या कर रहा है, और मुझे ये पता भी नहीं था, जब मैंने बाद में देखा तब मुझे पता चला कि इसकी मस्ती देखिए। तो यहाँ पर मैंने साफ़ भी कर दिया है और उसके बाद मैं दूसरे रूम में आ गई थी तो मैं ये बेडशीट बिछा रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पर इसका कवर नहीं है सिराना का, तो बाद में मेरे को मिल गया था ढूंढने पर। तो यहाँ पर ये भी बिछा देती हूँ बेडशीट, और उसके बाद फिर आज मेरे को थोड़ा बाहर का भी काम है, तो बाहर का जो है वो थोड़ा सा सफाई करना है क्योंकि एकदम लगातार बारिश के कारण बाहर पूरा मेरा सामान ख़राब हो गया, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा पूरा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है ना सच में। तो ये है ना, दूसरे के बारे में सोचते सोचते अपना कितना नुकसान हो जाता है पता नहीं चलता। तो अभी फाइनली मैं अभी यहाँ पर मेगा ने बनाया था पूरी, तो मैं काफ़ी थक गई थी तो मेगा ने बोला कि मैं बना देती हूँ नाश्ता, तो उसने ये पूरी बनाया था। तो देख सकते हैं आप ये पूरी का नक्शा। पहली बार बनाया ना तूने? तभी फर्स्ट वाला मैंने ये बनाया। अच्छा फर्स्ट वाला अच्छा बनाया, सेकंड ये तो थर्ड तो और मेरे को लगा ये लास्ट में बनाया तूने। चलो सीख जाएगी बनाते बनाते। नाश्ता खाने के बाद मैं बाहर आ गई थी और देख सकते हैं आप ये मेरा मशीन जो है पूरा भीग गया था, मैंने पन्नी से ढका हुआ था उसके बाद भी, और देखिए यहाँ पर ये बक्सा भी पूरा ख़राब हो गया था। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि आगे हमारे घर के आगे जो छोटा सा बरामदा है वहाँ पर रखती हूँ। पहले मैंने इसको बाहर रखा था बक्से को, और मशीन के ऊपर मैंने पन्नी दो तीन पन्नी ढक के रखा था, फिर भी पूरा भीग के पूरा वो लकड़ी टूट गया है। तो यहाँ पर ये साइकिल वगैरह है तो मैं सोच रही हूँ ये साइकिल वगैरह के हटा के, तो हटा कर इसमें यहाँ पर मैं बक्सा रख दूँगी और उसमें बक्से के अंदर जो भी मेरे भीगने वाले जो सामान है वो सारा रख दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरा सेट कर दिया है और ऊपर वो मशीन भी रख दिया है। तो देखिए अभी शाम का समय था और मेरा काम भी ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद मैं बनाने जा रही थी मटर और मशरूम की सब्ज़ी। तो मेगा ने बोला कि उसे भूख लगी है तो कुछ बना दो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो मेरे को लगा कि चलो पकौड़ी बना देती हूँ, और काफ़ी टाइम से हमने पकौड़ी भी नहीं बनाया था। तो यहाँ पर पकौड़ी बना रही हूँ, उस तरफ मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, बस थोड़ा सा उसमें पानी डाल दूँगी और थोड़ा सा बस ग्रेवी टाइप का बनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए रेडी हो गया है सब्ज़ी,
तो इसमें बस थोड़ा सा पानी डालूंगी। और यहाँ पर देखिए पकौड़ी भी बन गई। पहले वाली पकौड़ी तो थोड़ी जल गई थी, पर ये दूसरी बार का बनाया ये अच्छा बन गया था। तो पकौड़ी के साथ चटनी भी अच्छी लगती है। तो मैंने एक टमाटर को आग में भून दिया था और उसको छील के काट दिया। और यहाँ पर मैं देखिए टिमोर डाल रही हूँ, और हमारे नेपालियों में ये टिमोर की चटनी बहुत ही फेमस है। और मतलब ये टिमोर पहाड़ी इलाकों में मिलता है, तो हम जैसे ज़्यादातर टमाटर की चटनी में ये टिमोर डालते हैं 2-4 दाने, तो इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर टमाटर भी मैंने पीस दिया है और पकौड़ी भी बन गई है। तो अभी मैं मेगा को दे दूँगी खाने के लिए, और फिर मैं भी थोड़ा बहुत ही खाऊँगी। वैसे मेरे को इतना आज खाने का मन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए बन गई है और ये लास्ट है। तो ये मैंने सारा पकौड़ी जितना भी था सारा मैंने डाल दिया, और थोड़ा सा बेसन बचा था उसको भी मैंने ऊपर से सारा साफ़ करके डाल दिया। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, और देखिए ग्रेवी टाइप की बनी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाल दूँगी। तो सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंडिंग करती हूँ।